आखिरकार रायपुर पुलिस के हाथ उन हथियारों के गिरेबान तक पहुंच ही गए जिन लोगों ने एक मर्चेंट नेवी के इंजीनियर को सोते वक्त बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस ने कातिलों के नाम उजागर किए तब ऐसे नाम का भी खुलासा हुआ जिसे सुनकर हर कोई सकते में आ जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। एक दिन में पुलिस ने सुलझाई अपहरण कांड की गुत्थी। मर्चेंट नेवी इंजीनियर का ब्लाइंड मर्डर। पुलिस ने खंगाले हत्या से जुड़े सुराग। बमलेश्वरी नगर में दिया गया हत्या को अंजाम। हत्यारों के गिरेबान तक पहुंचे गुड़ियारी पुलिस के हाथ। रायपुर के सनसनीखेज मर्चेंट नेवी इंजीनियर हत्याकांड का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। पुलिस के खुलासे ने लोगों को हैरत में डालकर रख दिया है क्योंकि मर्चेंट नेवी विश्वनाथ शर्मा की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी ने रची थी जिसके लिए उसने दो सुपारी किलर को 5 लाख रुपए में विश्वनाथ को जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। पीएस गुड़ियारी का मामला है। गुड़ियारी में एक मर्चेंट नेवी के इंजीनियर है जो अपने पत्नी और बच्चों के साथ निवास रहते हैं। उसके लगभग 6 महीने यहाँ रहते तो 6 महीना बाहर रहते थे और इसमें ये बात सामने आई कि जो पति पत्नी के बीच में हमेशा विवाद होता था और जो उनके पति जो हैं वो दारू पीने के आदि थे और इसी गुस्से से जो उसकी पत्नी है उनके अपने किराएदार लवकुश और उसके सहयोगी के साथ प्लान बनाए कि आए दिन परेशान करता है इसको रास्ते से हटाना और इसी वजह से उन्हें 5 लाख देने की बात भी हुई थी और साथ ही जो लवकुश शुक्ला इसका मुख्य आरोपी उसको पुणे के जो नेशनल ड्रामा स्कूल है वहाँ पर एडमिशन की भी बात की थी और इस पर से उन लोगों ने मार्केट से हथौड़ा लाके उसके घर में ही मार के फरार हो गए थे। हत्या के पीछे घरेलू हिंसा की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस की जांच में पता चला है कि विश्वनाथ शराब पीने का आदी था और अक्सर शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ बुरी तरह से मारपीट करता था। आए दिन की मारपीट से तंग आकर पत्नी ने एक दिन विश्वनाथ को रास्ते से हटाने का खतरनाक साजिश रचना। अपने पति की मौत का सौदा पूरे 5 लाख रुपए में तय किया गया और काम को अंजाम देने के लिए किराएदार लवकुश और नौकर अविनाश को चुना। कातिलों ने अपने गुनाहों को कबूल करते हुए पुलिस के सामने तोते की तरह अपने गुनाहों की कहानी पढ़ दी। और जिसका कि उसके बड़ी वाली लड़की ने देखा और जाके जब देखी कि उसमें सांस चल रही है तो तुरंत उसको मेकाहारा हॉस्पिटल लाए थे। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी और मौत में पंचनामा पीएम के बाद जब पीएम रिपोर्ट आया तो एकदम चौंकाने वाली बात थी। उसमें हत्या की बात सामने आई। इस पर से उसमें घंटा से पूछताछ की गई क्योंकि घटना स्थल घर था और घर में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे निवास रहते। काफी पूछताछ के बाद कुछ इसमें साइबर सेल की टीम ने कुछ वहाँ पे टावर लोकेशन और टावर डंप लिया हुआ था। उसमें इन दोनों का बातचीत उसकी पत्नी से बार बार आ रहा था। घटना दिनांक से भी रात में कई बार उनसे बात हुई थी। इस पर से इनसे पूछताछ की गई। प्रारंभिक पूछताछ में लोग घुमाने की कोशिश की पुलिस को लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। वारदात वाली रात जब कृष्णा अपने घर में सो रहा था तभी लवकुश और अविनाश ने उस पर हथौड़े से जोरदार हमला कर दिया। उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी लवकुश एक आइसक्रीम कंपनी में पार्टनर है जबकि दूसरा आरोपी अविनाश उसी कंपनी का स्टॉल लगाता है। पुलिस को इस हत्याकांड की जांच के दौरान शुरू से ही विश्वनाथ की पत्नी पर शक था जो सही निकला क्योंकि अपने पति से काफी परेशान थी और हम लोग उनके किराएदार हैं और हमको इसलिए उन्होंने हायर किया था और हम लोगों ने रात में आके मार के हत्या की है। इन्होंने स्वीकार किया। बाद में उसकी पत्नी ने भी यह बात स्वीकार की कि उसके कहने पर ही 2 लड़कों ने उनकी हत्या की है और फिलहाल इसमें थाना पटरी में आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है और जांच क्रम में और भी कोई बात सामने आएगी उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
महिला ने अपने साथ अन्य दो आरोपियों के गुनाहों का राजभार पुलिस के सामने कर दिया। हवालात के लिए रायपुर से हेमंत शर्मा की।